नमस्कार दोस्तों, हिमशरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कब है गंगा दशहरा? शुभ मुहूर्त में स्नान दान करने से मिलेगी पापों से मुक्ति। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। राजा भागीरथ वर्षों की तपस्या के बाद उपरत जेठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भारतीय शास्त्र पुराणों एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महानता का बखान किया जाता है। रामचरितमानस में अयोध्या के कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन दायिनी माँ गंगा को मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है, गंग स्कल मुद मंगल मूल सब सुख करण हरण सब सूला। अर्थात गंगा जी के समस्त आनंद मंगलों को मूल है, वे सभी सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार जी ने द्वितीय में बताया है कि पुराणों में कहा जाता है कि राजा भागीरथ वर्षों की तपस्या से उपरत जेठ शुक्ल की दशमी को गंगा दशहरा पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भारतीय शास्त्र पुराणों एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महानता का बखान किया जाता है। गंगा भारतीय संस्कृतियों का प्रतीक एवं हजारों साल की आस्था की पूंजी है। शास्त्रों में कहा जाता है कि गंगा का पानी अमृत वे मोक्ष दायिनी है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। गंगा नदी की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्योहार हिंदू माह जेठ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा की आकाश से पृथ्वी पर अवतारण की स्मृति की जाती है। भक्त नदी के किनारे एकत्र होते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, रीति रिवाज करते हैं और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह त्योहार गंगा के संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए भी दर्शाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत आत्मिक और संस्कृत महत्व रखती है। नर्मदा ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस के रूप में अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य उपवास भजन गंगा की आरती का आयोजन करते हैं। मानता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। यह माना जाता है जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतारित हुई तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 16 जून रविवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून रात्र 2:32 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का संपन्न 17 जून सुबह 4:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार गंगा दशहरा 16 जून रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो आपको ये गंगा दशहरा की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम आपके साथ ऐसी स्टोरी शेयर करते रहें। और गंगा दशहरा का महत्व भी हम आपको बता देते हैं। गंगा दशहरा को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतारित होती। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आप घर को में पर ही स्नान करते हुए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा पर इन वस्तुओं को करें दान। गंगा दशहरा पर इन वस्तुओं को करेंगे आप दान तो आपको मिलेगा जीवन में लाभ। गंगा दशहरा के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने से विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान करने के दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन 10 फल 10 पंखे 10 सुराई 10 छाते या फिर 10 हिस्से अन्न के दाने, ऐसा दान करने से आपको जीवन में फल प्राप्त होगा। तो आपको ये हमारी दशहरे से जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और हम आपके साथ ऐसी स्टोरी शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।